और कुछ चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, उम्मीद है आप लोगों को याद होंगी। और कुछ चीज़ें जो है हम आज पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले ब्लैंक वर्क बुक हम इसमें ले लेंगे। ये देखें आपके सामने एक्सेल आ गया। कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हम चीज़ें भी, इन फंक्शंस को भी हम देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो सैलरी शीट पर काम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये जो आपके पास अलाइनमेंट आ रहे हैं ये सेल के अंदर की अलाइनमेंट है कि आपका डेटा सेल की किस पोजीशन पर होना चाहिए। जैसे कि कल हमने जो है वो एक मर्ज सेल करके, यहाँ से देखिए जब हम इसको मर्ज कर देंगे तो वो मर्ज करने का मकसद ये होता है, जैसे मैं इसके ऊपर माउस ले गया आपको नीचे दिखा रहा है मर्ज एंड सेंटर, तो जहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है वहाँ देखें कि वो दो सेल्स को उसने मर्ज कर दिया है, ठीक है, यानी कि एक साथ मिला दिया है। तो जब मैं इसको मर्ज कर दूंगा जितने सेल मैंने सिलेक्ट किए होंगे वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर कोई डेटा लिखता हूँ मिसाल के तौर पर सैलरी शीट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स की सैलरी शीट मैंने लिखी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको कलर दे सकता हूँ, ठीक है, मैं ये कलर दे देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर दूँगा, जितनी मैंने साइज़ बढ़ानी है वो बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया। यहाँ से मैंने इसका जो फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास मैंने आपको बताया मिडल अलाइनमेंट, तो ये बिल्कुल उसके मिडल में इसको रख देगा, अगर टॉप पे रखेंगे तो टॉप में रख देगा, लेकिन इसमें क्योंकि फॉन्ट बड़ा है तो ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं ज़्यादा एरिया जो है वो मर्ज कर लेता हूँ इसमें, तो अब देखें ये फॉन्ट आपका जो है वो टॉप पर रखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको मिडिल में कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको बॉटम में ले जा सकता हूँ, यहाँ से लेफ्ट साइड, यहाँ से सेंटर और यहाँ से इसको मैं राइट साइड पर ले जा सकता हूँ। ये आपके जो है वो अलाइनमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे और कोशिश करेंगे जितनी जितना एरिया हमें चाहिए, जैसे मैं यहाँ से मर्ज हटा दूंगा तो मर्ज हट जाएगा, फिर जो एरिया मैंने सेलेक्ट करना है जितना, उसको सेलेक्ट करने के बाद बल्कि मैं इसको ज़्यादा आगे ले जाता हूँ ताकि साथ साथ आपकी सैलरी शीट भी बनती जाए, ठीक है जी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ इस एरिया को। नो फिल कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं सिंपल एक बॉर्डर भी दे सकता हूँ, यहाँ से देखें मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दूंगा तो मेरे पास एक बॉर्डर आ जाएगा। और इसके अलावा मैं बॉर्डर की लाइन कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, जो कलर मैं देना चाहूँ यहाँ पर मैं इसको कलर दे सकता हूँ। ये रेड कलर मैंने दे दिया बॉर्डर पे, आउटसाइड बॉर्डर लाइन स्टाइल भी मैं चेंज कर सकता हूँ बॉर्डर का। चलें फिलहाल हम बॉर्डर को ही देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने रखा सबसे पहले जी आपका आ गया, ये क्यों आ रहा है, ये बेसिकली पहले ही वो थे, इस वजह से मैं इसको बैक ले जाता हूँ और यहाँ से मैं मज़ीद जो है वो इसको मर्ज कर लेता हूँ। सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी नेम,
बड़ा कर दूं या छोटा अलग रह जाए तो? फिर भी अगर नज़र ना आ रहा हो तो सीरियल नंबर, नेम और एम्प्लॉय नंबर। वहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा था, यहाँ मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। डेजिग्नेशन, बेसिक पेमेंट या बेसिक सैलरी भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि सैलरी बना रहे हैं तो हम सैलरी लिखेंगे, बेसिक सैलरी या बेसिक पेमेंट कोई इशू नहीं है। डेली वेजेस, कि आपकी डेली वेजेस क्या है, डेली की सैलरी क्या है, ठीक है। और पर हॉर सैलरी कितनी है, ठीक है। अब आपकी अटेंडेंस आ जाएगी, अटेंडेंस आपकी कितनी आई है, एक महीने में कितने दिन होते हैं नॉर्मली, 30 दिन होते हैं, ठीक है। हम 30 दिन की सैलरी बनाएंगे, बाकी जो 31 डेज वगैरह के महीने होते हैं उनकी अलग बनती है, ठीक है। हम फिलहाल 30 की बना के देखेंगे ताकि जो हमें चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, अटेंडेंस डेज के बाद एक चीज़ जो है वो हम और यहाँ पे कर